आज पटना के बाईपास क्षेत्र में नियर टोल टैक्स दीदारगंज के पास डी लॉर्ड फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। बाईपास क्षेत्र के लोगों के लिए, पटना के लोगों के लिए हर सुविधा के लिए खोला गया, जिसमें शादी पार्टी, बर्थडे, खाने का, रहने का तमाम व्यवस्था है। एक बार अवश्य आकर देखें और वहां के ओनर ने क्या कहा वो भी सुने। क्या क्या चीज यहाँ पर आप डी लॉर्ड फैमिली रेस्टोरेंट में दे रहे हैं लोगों को? यहाँ पर जो है कस्टमर के लिए हम सब सुविधा दे रहे हैं। एसी रूम है मेरा, नॉन एसी भी है, और शादी के लिए रूम है, हॉल है, सारा फैसिलिटी है। मतलब पार्टी हो, शादी हो, बर्थडे हो, सब फैसिलिटी आप लोग? सारा फैसिलिटी हम दे रहे हैं। कितने लोगों की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम 150-200 आदमी जो है एक बार में बैठ के खाएगा। और खाने में क्या क्या खास है? खाना में आपका मशरूम है, चिकन है, मीट है, वेज है, नॉन वेज है, चाउमीन है, सारा चीज़ है। रूम जो है क्या उसका चार्जेबल है? रूम 1500 रुपया का है एसी, और 1200 का नॉन एसी। नाम बताइए अपना। नाम राजकुमार। आज डी लॉर्ड फैमिली रेस्टोरेंट का बाईपास पर उद्घाटन करें, क्या क्या खास अपनी होती है? आज सही रहेगा कि एक साथ ही सब सुविधा उपलब्ध है, रहने का, खाने का, कॉन्फ्रेंस हॉल है, शादी पार्टी, सारा व्यवस्था है। क्या व्यवस्था? एसी है, नॉन एसी है? एसी भी है, नॉन एसी भी रूम है। तो क्या लगा यहाँ पे, किस तरह का आप व्यवस्था देना चाहेंगे लोगों को, कैसे आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप मैसेज यही देना चाहेंगे, कम से कम हमारे पास आइए एक बार जरूर, और हमारा भोजन का आनंद लीजिए। स्पेशल में क्या आप रखे आप अपने होटल में? हमारे पास नॉन वेज नॉन वेज दोनों। कुछ स्पेशल बनाया है? पटना में होटल का कंपटीशन है सर, तो कस्टमर यहाँ उनको टेस्ट अच्छा लग गया वहाँ का टेस्ट। इससे पहले आपने कभी? इससे पहले मेरा होटल बस स्टैंड के पास, पुरानी बस स्टैंड, बस स्टैंड जाने के कारण वहाँ भी है ब्रांच, यहाँ पर है। हमारे बड़े भाई का बहुत ही प्यार होटल भी है, उसमें भी शादी हुआ, पार्टी शादी का। क्या नाम हुआ?